नमस्कार, मैं रुपेश और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज की क्लास स्टार्ट करने वाले साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि व्यापम और पीएससी में प्रत्येक बार एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हाल ही में एग्जाम में प्यून भर्ती एग्जाम हुआ था, उसमें 1 से 2 नंबर वहां से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न देखने को मिला था। तो जैसे कि आप छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं। आज का पहला क्लासेस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके ऐसे 4 प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि साधारण ब्याज से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ऐसे 4 टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो आपके एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण ब्याज 2022 के लिए देखेंगे। देखिए यहाँ पर V का मतलब होता है व्यापम और P का मतलब होता है पीएससी। तो आज ऐसे क्लास लेकर आए हैं जो आपकी व्यापम और पीएससी में पूछा जाएगा। तो क्लास स्टार्ट हो चुका है, दिवाली का सीजन भी खत्म हो चुका है, दिवाली का दूसरा दिन है, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नए समय पर स्टार्ट हुआ है गणित की क्लास। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिनों से क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना ही चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, जी सर हम तैयार हैं छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय, ठीक है, तो गणित की जो क्लास है आज से स्टार्ट हुआ है शाम 5 बजे से गणित की क्लास। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की जो क्लास है रात 8 बजे, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास सुबह 9 बजे, ठीक है। ये तीनों ही क्लास डेली क्लास कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, पूरा क्लासेस मैं करा चुका हूँ, ठीक है। एडीओ, छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, ये तीनों ही क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। जो लोग फिर से तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए नया अवसर है, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगा, 10 दिनों का बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा, ठीक है। आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास देखने हैं साधारण ब्याज, यानी कि आपके 4 प्रकार के टॉपिक में बताऊंगा, वहां से आपको एक नए एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल आएगा ही आएगा, 100% की गारंटी है। अगर यहाँ से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलता, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलता, तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहता हूँ कि वीडियो को डिसलाइक कर देना, यहाँ तक कि सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हॉस्टल वाटाने की क्लास चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा, साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा सौ। मूलधन हो गया यहाँ पर गुणित दर गुणा समय बटा सौ, ये आपका साधारण ब्याज के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिएगा, पी आर टी बटा सौ। पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है समय, सौ मतलब प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को बता दिया हूँ। समय से देखेंगे तो समय के लिए फार्मूला होता है साधारण ब्याज, उसके बाद गुणा सौ गुणा दर बटा मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज गुणा सौ बटा दर गुणा मूलधन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज को हम एस आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस आई का मतलब साधारण ब्याज, उसके बाद ये गुणा हो जाएगा आपका दर का मतलब आर और टी का मतलब और मूलधन का मतलब पी, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। उसी प्रकार दर के लिए फॉर्मूला देखते हैं, तो साधारण ब्याज गुणा सौ बटा मूलधन गुणा समय। तो दर के लिए एक ऐसा फार्मूला जाएगा, दर के लिए साधारण ब्याज गुणा सौ बटा मूलधन गुणा समय। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एस आई गुणा सौ बटा मूलधन को क्या लिख सकते हैं, पी गुणा समय को लिख सकते हैं टी। ये आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, हम 4 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने जो कि व्यापम 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे। आप सभी को मैं बताया था कि 4 प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि व्यापम और पीएससी में एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर संख्या आपका चेंज कर दिया जाएगा लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 1000 की राशि का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन क्या होगा, ये पीएससी 2018 में पूछा गया है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो कि 1000 की राशि का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना परसेंट, 3% वार्षिक ब्याज की दर से
यहाँ पर दो वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन जो कि व्यापम और पीएससी में अक्सर पूछा जाता है, तो साधारण ब्याज बनाएंगे उसके बाद मिश्र धन। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का पहला का सवाल हम हल करते हैं। 1000 की राशि का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले मिश्र धन का फार्मूला आप सभी को बताया था, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज आपका फार्मूला हो गया मिश्र धन निकालने के लिए। और साधारण ब्याज का मैं फार्मूला बताया था, साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा पी आर टी बटा सब, ठीक है। पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर, टी का मतलब होता है समय। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका पी का मतलब कितना है, मूलधन आपका 1000 रुपए, ठीक है। मूलधन कितना हो जाएगा 1000 रुपए, दर कितना है आपका 3% वार्षिक ब्याज की दर से, और 2 ये दर हो जाएगा आपका 100। अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 और 6 10 6 60, यानी कि आपका 60% यहाँ पर ब्याज निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60% ब्याज निकल कर आपका आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं, तो मिश्र धन के लिए आप सभी को मैं फार्मूला बता चुका हूँ। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मिश्र धन का फार्मूला होगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका मूलधन कितना है 1000 रुपए, ठीक है, और आपका ब्याज कितना निकल कर आया है, 60% आपका ब्याज निकल कर आया है, ठीक है। कितना परसेंट निकल कर आया है, 60% ब्याज निकल कर आया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिश्र धन का फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पर मिश्र धन का फार्मूला है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 1000 रुपए है, प्लस ब्याज कितना निकल कर आया है, 60% निकल कर आया है। तो इसको जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1060 रुपया आ जाएगा। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि 1000 की राशि का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन क्या होगा। तो आपका साधारण ब्याज निकल कर आ गया 60%, उसी प्रकार यहाँ पर मिश्र धन भी निकल कर आ गया। मिश्र धन यहाँ पर मूलधन 1000 रुपए और 60% ब्याज निकल, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1060 रुपया आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको 4 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके व्यापम और पेशे में पूछा जाएगा। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा गया है, यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है यदि 4%, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, नोट कीजिएगा इसको, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज 60 रुपया हो, कितना है साधारण ब्याज, कितना है 60 रुपया हो, तो आपका मूलधन क्या होगा, क्या निकालना है आपको, मूलधन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका कितना रुपए, 60 रुपए है, क्या निकालना है आपको, मूलधन निकालना है। एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी को मैं बताया था साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा सब। तो एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, एक तो समय से पूछेगा, एक तो मूलधन से पूछेगा, एक तो दर से पूछेगा, या फिर साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो आप सभी को पहला वो क्लास में बताया था कि साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होता है, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये आपका पीएससी में पूछा है, साथ ही एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए है तो मूलधन कितना होगा। तो चलिए मूलधन कितना होगा हम देख लेते हैं। यहाँ पर मूलधन के लिए फार्मूला आप सभी को बताया था मैंने, चलिए देखिए मूलधन के लिए फार्मूला आपको बताया था। मूलधन का होता क्या है, तो देखिए मूलधन का फार्मूला होता है आपका साधारण ब्याज गुणा सौ बटे दर गुणा समय। तो मूलधन की क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा सौ, साधारण ब्याज गुणा सौ बटे दर गुणा समय, तो आपका कितना हो जाएगा, दर गुणा समय। अब चलिए इसमें हम मार रख लेते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज आपको कितना है, 60 रुपया, 100 से गुना कर देंगे, उसी पर कर दर कितना निकल कर आया, 2 और इधर 4, ठीक है,
दो गुणा चार, इसको कैंसिल करते हैं कितना जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार से काटेंगे 25 बार में जाएगा, उसी प्रकार दो से इसको काटते हैं तो 30 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा 30 गुणा 25, तो इसको चलिए गुणा कर देते हैं आपस में, तो कितना आ जाएगा, चार से इसको काटे 25 बार में जाएगा, उसी प्रकार इसको 30 से काटे हैं तो आ जाएगा 30 गुणा 25। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आता है आपका, देखिए अब इसको 25 से गुणा करेंगे, 25 शून्य शून्य और 25 दिया 75, यानी कि 750 रुपये इसका आ जाएगा मूल। ठीक है, यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये होता है तो इसका मूलधन 750 रुपये आ जाएगा। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा है जो कि PSC और व्यापम और SSC रेलवे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा, मैं तीसरा क्वेश्चन ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपकी व्यापम PSC रेलवे जितने भी एग्जाम में होता है वही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, चलिए नोट कीजिएगा तीसरा क्वेश्चन, कितने समय में, मान लीजिए कितने समय में, ठीक है, कितने समय में 500 रुपए, कितने समय में 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपए हो जाएगा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपया हो जाएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीन प्रकार का क्वेश्चन, ये इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, कितने समय में 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, यहाँ पर 620 रुपया हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को फार्मूला बताया था ब्याज की, ब्याज का फार्मूला होता है आपका, यहाँ पर ब्याज पूछा गया है, ब्याज निकालना है। ठीक है, ब्याज 620 रुपया हो जाएगा, यानी कि यहाँ से माइनस कर देंगे तो 620 माइनस 500 बराबर 120 रुपया बचेगा। क्या पूछा गया, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो साधारण ब्याज होता क्या है, तो समय के लिए पूछा गया है, कितने समय में, समय पूछा गया है, तो समय के लिए आप सभी को मैं फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था यहाँ पर नोट कीजिएगा, समय बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा समय पूछा गया तो दर गुणा मूलधन, ये हम मान रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज कितना दिया था आपका 120 रुपए, कितना दिया था, सॉरी ये आपको कितना निकल कर आया था, 120 रुपए निकल कर आया था। ठीक है, उसके बाद 100 से ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पूछा गया 4, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 4%, ये आपका हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, ये आपका 500 रुपए, 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे 4 3 12, ये आपका 30 आ जाएगा, 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, नोट कीजिएगा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 4 तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ व्यापम और PSC का, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा चौथा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप व्यापम PSC SSC जितने भी एग्जाम की तैयारी करें, आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, जो कि व्यापम और PSC में पूछा गया, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से राशि 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से राशि 8 वर्षों में दो गुना हो जाएगी। ठीक है,
मतलब कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से राशि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, कितने पूछा गया 8 वर्षों में। इसको देखिए, यह ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कितने वर्षों में साधारण ब्याज की जो दर है 8 वर्षों में, राशि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको सटीक क्वेश्चन और सटीक फार्मूला बताया था, ठीक है। तो सबसे इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर दर पूछा गया है कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, ये आपको दर निकालना है, ठीक है। तो दर के लिए फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दर गुना मूलधन, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं, तो आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है, 100 रुपए। ये साधारण ब्याज आपको निकालना है, 2 गुना पूछा गया, ठीक है। तो आपको मुझे यहाँ पर 8 आ जाएगा, उसी प्रकार इसको छोटा रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 25, यानी कि 25/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको और छोटा रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यह आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 4 प्रकार का, जो कि रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। इसको अच्छे तरीके से घोल कर पी जाइएगा, या फिर एग्जाम दिलाने से पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को यही निवेदन करता हूँ कि बार बार डेली क्लासेस करते रहे, 5:00 डेली क्लासेस आपको कराया जा रहा है। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम PSC की, आपको मैं गारंटी देता हूँ 90% तैयारी कराऊंगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता तो वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक कर देना, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।